अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी इस तरीके का मैसेज भेजना चाहते हैं कि अगर कोई आपके पास में मैसेज करे तो उनके पास में ऑटोमेटिक एक रिप्लाई चले जाए ऑटो रिप्लाई के ज़रिए, और वहाँ पे आप जो भी मैसेजेस डाले हुए रहिएगा, जो भी टेक्स्ट आप डाले हुए रहिएगा, वो ऑटोमेटिक उसको चले जाए जब आप अवेलेबल नहीं रहिएगा तब। तो जैसे आपके पास में मैसेज आएगा, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चले जाएगा जो भी आप लिख करके देंगे वहाँ पर, यानी जो भी आप उसके अंदर में रखेंगे। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखना होगा, ताकि मैं आपको बता पाऊँ, गाइड कर पाऊँ कि किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, ऑटो रिप्लाई को ऑन कर सकते हैं, यानी अपने आप मैसेजेस जाए जब आपके पास में कोई मैसेज करे तो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, और हाँ मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, मैं किसी और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजह से इसको आप सही से इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे मैं आपको हाँ ट्रस्टेड वेब एप्लीकेशन ज़रूर दूंगा कि हाँ चलो ठीक है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर से ले रहे तो जाहिर सी बात है वो ट्रस्टेबल रहेगा। इसलिए आप इसको आउटसाइड से डाउनलोड मत कीजिएगा, यानी क्रोम ब्राउज़र इन सबसे डाउनलोड मत कीजिएगा, बल्कि आप इसको डाउनलोड कीजिएगा कहाँ से, प्ले स्टोर से। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर में आना है, ये प्ले स्टोर है, सिंपली आप प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑटो रिप्लाई, क्या करना है, ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप, सिंपली आपको ये सर्च करना है। जैसे ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप जैसे आप ये करेंगे ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप, तो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे कई सारे एप्लीकेशंस, ठीक है। वैसे ये नहीं है, ये एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप ये आपको सर्च करना है। जैसे आप इसको सर्च कीजिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा व्हाट्स ऑटो रिप्लाई ऐप, सिंपली आप इसको क्लिक कर सकते हैं, व्हाट्स ऑटो रिप्लाई ऐप। सिंपली आप क्या कीजिए, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ये फ्री है और इसके अंदर में परचेज भी कर सकते हैं, बट फ्री वाले वर्जन को हम इस्तेमाल करेंगे। सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही इस आप एप्लीकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा, यानी इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसको ओपन करना होगा, यानी ऑन करना होगा। सिंपली आप ओपन पे क्लिक करके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल में पहले से ही एप्लीकेशन है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से भी इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप इसको ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के बाद में कुछ परमिशंस के लिए पूछेगा, तो आपको इसको परमिशन देना होगा, तभी ये आपके व्हाट्सएप को एक्सेस करके क्या करेगा, ऑटोमेटिक रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ऑन, यानी ये ऑटो रिप्लाई ऑफ है, तो आपको इसको ऑन करना होगा। तो सिंपली आप इसको ऑन में क्लिक करके इसको ऑन कर लीजिए। जैसे मैंने इसको ऑन में क्लिक किया तो ये पूछेगा क्या करने के लिए, आपको ये इनेबल करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे आपको नजर आएगा ये इनेबल करना होगा आपको। सिंपली आप इसको इनेबल कर दीजिए, यानी रीड ऐप नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको रीड करने के लिए इसको अलाउ करना होगा। सिंपली आप बैक बटन प्रेस कीजिए, ये अलाउ हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है, सिंपली आप इसको उनमें क्या कीजिएगा, इसको उनमें क्लिक करके आप अपना मैसेज यहाँ पे डालिएगा। इसको उनमें आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप मैसेज डाल दीजिए, आई एम ऑटो रिप्लाई, ऑटो रिप्लाई, ठीक है। ये मैंने मैसेज डाल दिया, यहाँ पे आप चाहे तो फर्स्ट नेम भी डाल सकते हैं, जैसे नेम यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी नेम होगा ये आप यहाँ जैसे, यानी जिसका जो नेम होगा ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे नेम आ जाएगा उसका, उसके बाद में आई एम ऑटो रिप्लाई ये चले जाएगा उसको। सिंपली उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए ओके। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है जो मैसेज जाएगा वो जाएगा उनका नेम, जिनका नेम रहेगा, उसके बाद में आई एम ऑटो रिप्लाई, यानी जो भी मैसेज आप डालेगा वो जाएगा। तो सिंपली अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं गया यहाँ पे, यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया, खुद को मैं मैसेज कर लूँगा यहाँ से। देखिए मैं यहाँ एक व्हाट्सएप पे गया और यहाँ पे जाकर के मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, आप किसी को भी मैसेज कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ, अस्सलामुअलैकुम, मैंने मैसेज किया, गया, एक नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन वो रीड करेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। देखिए अभी इसको रिप्लाई करेगा, मैसेज नोटिफिकेशन आया, अब देखिए मेरे पास में ऑटो रिप्लाई आ गया, दोनों पे आ गया, दोनों तरफ गया, अभी यहाँ पे भी आ गया, एक ऑटो रिप्लाई यहाँ पे आया, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैंने भेजा, फिर उसके बाद में ऑटो रिप्लाई में क्या आया, जो भी नेम आप सेव कर रखे हो वो नेम आ जाएगा यहाँ पे शो करेगा, नेम के बाद में आपको नज़र आएगा आई एम ऑटो रिप्लाई। फिर उसके बाद में उधर से भी देखिए फिर से आया, फिर एक नोटिफिकेशन जाएगा, फिर आएगा, फिर नोटिफिकेशन जाएगा, फिर आएगा। तो इस तरीके से आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं, तो जिसको भी आप मैसेज कीजिएगा तो ऑटो रिप्लाई चले जाएगा, यानी कोई भी आपको मैसेज करेगा उस मैसेज के नोटिफिकेशन को रीड करेगा ये एप्लीकेशन, और उसके बाद में जो भी आप वहाँ पे मैसेज डाल रखे हुएगा इसके अंदर में वो अपने आप चले जाएगा उसके पास में। देखिए अभी मैं आपको ये जहाँ पे मैंने मैसेज भेजा वहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये मुझे नज़र आ रहा है, ये रहा ऑटो रिप्लाई में चले गया उसके पास में, यहाँ से ऑटो रिप्लाई चले गया मेरे पास में, यानी इस तरीके से आ गया, आया और गया। जैसे नोटिफिकेशन आएगा वो रीड करके ऑटो रिप्लाई कर देगा जो भी मैसेज आप वहाँ पर डालिएगा। तो मुझे उम्मीद आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ऑटोमेटिक किसी को मैसेज भेज सकते हैं जब आपके पास में कोई मैसेज करे तो। कोई भी परेशानी है कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करूंगा। और हाँ, किसी भी सोशल नेटवर्क पर फॉलो नहीं कर रखे तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं आपको
कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि प्ले स्टोर पर नहीं मिलते, उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है उसके बारे में आपको बताता रहता हूँ। तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके और मुझसे आप रिकमेंड भी, यानी मुझे आप रिकमेंड भी कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करके मुझे बताइए, ये एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है वो बताइए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ उसके बाद में आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।